एग्जिस्ट हो जाते हो, निकल जाते हो, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अगर ऐसा होता है, कोई बच्चा निकल जाता है, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे इतना बता दो, सभी को स्क्रीन दिख रही है? सभी को दिख रही है स्क्रीन? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही, यस बच्चे देखिए, रूल हमने पढ़े हैं, रूल से बात करेंगे। हमें क्या करना है, अगर यस है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो, है ना? हाँ, यस यस। चलो मैं बता देती हूँ, जो बच्चे कल की लास्ट क्लास में नहीं थे, तो हमने क्या देखा था कि अगर मुझे किसी चीज के लिए पूछना है, यस करना है, तो आप पूरा यस मत लिखो, आप वाई लिख दो, ठीक है? और नो है तो नो नहीं लिखना, एन लिख दो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, है ना बच्चे? हाँ जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? कोई बच्चा ऐसा है क्या? सभी को क्लियर है ना? एक बच्चे ने एन लिखा था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। चलो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, हाँ जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9 विषय हम क्या पढ़ने वाले हैं, गणित, है ना? चलो एक दो मिनट और जो बच्चे वेट कर लेते हैं। बच्चे आपके क्लास, बच्चे बहुत ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? कक्षा 9 गणित विषय पढ़ने वाले हैं हम, ये हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना? अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्या है समय सारणी। क्या हमारी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होगी? कब होगी? 7 बजे से 8 बजे तक। सभी बच्चों को ये याद रखना है, कब होगी? मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ठीक है? मंगलवार, वीरवार, शनिवार, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये बच्चे सभी को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? हाँ जी, सभी बच्चों को ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है। आपके पास नहीं भी आपको याद रहता, तो आप सेम लिंक से अपने आप इसी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना? तो आपको हमेशा माइंड में अपना दिमाग ध्यान रखना है कि आपकी 7 से 8 की क्लास है, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ठीक है बच्चे? ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था बच्चे कि आपको ये क्लास कौन पढ़ाने वाला है, ये अच्छा मैं एक चीज और बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैडम दोबारा क्यों बता रही है ना? तो बच्चे देखो, आज की क्लास में भी ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए ज्वाइन हुए, जो लास्ट क्लास में नहीं थे, तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनको कौन पढ़ाने वाला है। इसलिए मैं एक बार दोबारा से जल्दी से बता देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम स्वाति है, ठीक है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैंने एमएससी किया हुआ है और मुझे 5 साल का अनुभव है, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि मैडम का जो आपको पढ़ाएंगी, यानी कि मैं, मेरा नाम स्वाति है, ठीक है बच्चे? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमारे पास कुछ चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमारे स्कूल की क्लासेस में हम क्लास में जाते हैं, वहां पर हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स चलते हैं, क्लास कैसे करनी है, वैसे कुछ होता है ना, उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे म्यूट कर लीजिए, नितिन की आईडी से जो बच्चा है। हाँ जी, गुड गुड बच्चे। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, यहाँ भी देख लेते हैं, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं प्लीज ध्यान से देखना, है ना? क्या देखना, ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप क्लास से लीव करोगे, जब क्लास खत्म हो जाती है, तब अगर आपको कोई डाउट नहीं है, पहले तो अगर आपको डाउट है तो पहले डाउट पूछोगे, ठीक है? अगर आपको क्लास में डाउट नहीं है, आपकी क्लास हो गई है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो लाल बटन को दबा के, ठीक है? अभी कोई बच्चा नहीं दबा देगा, ठीक है? अभी क्लास शुरू शुरू हुई है। फिर यहाँ पर आपके पास एक बट आ रहा होगा क्या कि कैमरा, ये कैमरा किसी भी बच्चे को ऑन नहीं करना है, ठीक है? किसी बच्चे को कैमरा ऑन नहीं करना है। आपके पास माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, किसी बच्चे को अननेसेसरी ऐसे ही माइक ऑन नहीं करना है, अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, ये बात अपने माइंड में रखनी है सभी बच्चों को, ठीक है? देखो, आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आप क्या करोगे, आपके पास ये 3 डॉट है, आप यहाँ पर दबाओगे, आप ऐसे यहाँ पर दबाओगे, आपके पास ये बॉक्स खुल के आ जाएगा, है ना बच्चे? क्या खुल के आ जाएगा? ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब इस बॉक्स में देखो, ये इनकॉल मैसेज है, ठीक है? आप इस मैसेज पे जाओगे तो आप यहाँ पर जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पर आप जाके मैसेज कर सकते हो, आपको जो चीज नहीं समझ आई है, मैम ये डाउट है, ठीक है? ऐसा होता है तो आप वो चीज पूछ सकते हो,
कोई भी डाउट है आपको, मैं या मैंने बोला है कि आपको क्या समझ, आप बताइए जल्दी से कि आपको समझ आया है नहीं, तो मैं बोल रही हूँ यस टाइप कीजिए, चलिए जल्दी से कर दीजिए, जरा बता दीजिए मुझे किस किस बच्चे को टाइप करना आ गया, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं जल्दी से लिख दीजिए यस, अगर समझ आ गया है कैसे मैसेज करना है, वैसे नो लिखोगे तब भी समझ आ ही गया है बच्चे, क्योंकि नो भी तभी लिख पाओगे जब आपको मैसेज करना आ गया है ना। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ध्यान रखनी है कि पोल कैसे करना है। अब मैडम ये पोल क्या होता है बच्चे, है ना, ये आ रहा होगा आपके माइंड में। देखो बच्चे कई बार मैं बोलूंगी कि आपको ना ये क्वेश्चन है इसका आंसर करना है चैट में, है ना, या आप क्या करोगे तीन डॉट पे क्लिक करोगे चैट में जाके आंसर कर दोगे, ठीक है। बट कई बार मैं बोलूंगी आपको कि बच्चे आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, इसके चार ऑप्शन है और आपको ना पोल में जाके आंसर करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है पोल में आंसर करने के लिए, आप क्या करोगे, आप इन तीन डॉट पे दबाओगे, आपके पास अगेन ये वाली स्क्रीन खुल के आ गई, आप एक्टिविटीज में जाओगे, जैसे ही आप एक्टिविटीज में जाओगे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप इस पोल को दबाओगे आपके पास ये वाली बॉक्स खुल के आ जाएगा, आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आपके अकॉर्डिंग कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये सही होना चाहिए, आप वो दबाओगे, जैसे बी है तो फिर वोट कर दोगे, ठीक है। ये मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन से भी दिखा देती हूँ बच्चे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं, मैं आपकी अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी एक मिनट दीजिए, जल्दी से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी। हाँ जी एक मिनट बच्चे, कोई भी बच्चा अपने आपको अनम्यूट नहीं करेगा, है ना। हाँ सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस मैम। बच्चे मैसेज, मैसेज में हमारा रूल भूल गए, मैसेज में अगर आप दिखाई दे रही है तो वाई टाइप कर दीजिए। गुड गुड गुड, चलिए अब देख लेते हैं बच्चे, देखो ध्यान से देखना है। हाँ जी मुझे पता लग गया सभी को दिखाई दे रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, बड़े आगे। देखो पोल कैसे करना है, पोल कैसे करना है, आपको इन तीन डॉट पे क्लिक करना है, जैसे आप इन तीन डॉट पे क्लिक करोगे आपके पास क्या एक्टिविटीज आ जाएगी, एक्टिविटीज को आप क्या कर दोगे दबा दोगे, जैसे ही आप एक्टिविटी को दबाओगे बच्चे, है ना, क्या होगा आपके पास कुछ ऐसा एक एक्टिव पोल करके आएगा, पोल वन एक्टिव, तो आप क्या करोगे इस पे दबाओगे, जैसे ही आप इस पे दबाओगे ठीक है, आपको ए बी सी डी में से जो सा ऑप्शन ठीक लगता है आप उस पे उसको दबा दोगे और वोट कर दोगे। अच्छा ये नीला बटन जरूर दबाना है, बस इस पे क्लिक नहीं करना है, अगर नीला बटन नहीं दबाओगे ऐसे तो वो मुझे मेरे पास आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये नीला बटन भी दबाना है, जल्दी से बता दीजिए वाई टाइप कर दीजिए, समझ आ गया सभी बच्चे को, जल्दी से टाइप कर दीजिए। वो पोल कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, तो अब आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो, ठीक है सभी को समझ आ गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना, अपनी वापस से हम अपनी स्क्रीन पे ही जाते हैं, ठीक है, अगेन से हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और जो पढ़ रहे थे वहीं पे वापस आते हैं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, चलो हाँ जी आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ आ गई सभी को, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे, अध्याय जीरो स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना बच्चे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें हमने क्या पढ़ा था, टेबल्स पढ़े थे। अच्छा क्या पढ़ा था हमने, टेबल्स पढ़े थे, पहाड़े पढ़े थे, बट एक अलग तरीके से पढ़े थे, हाँ जो अभी मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया था, किस तरीके से पढ़े थे हमने, कि अगर मैं दो के पहाड़े की बात करूं तो दो एकम दो होता है, दो दुनी चार होता है, दो तिया छह होता है, दो चौके आठ होता है, तो मैं दो के पहाड़े को ऐसे भी लिख सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं, दो के पहाड़े को हम इसका आधार देखा था हमने, क्या होता है जोड़ होता है, तो हमने क्या किया था, दो को दो बार जोड़ दो तो भी हमें चार मिलेगा, है ना, दो तिया छह होता मतलब दो को तीन बार जोड़ दो तो हमें छह मिल जाएगा, दो चौके आठ होता है मतलब दो को चार बार जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा, आठ मिल जाएगा,
यानी कि किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है, जोड़ होता है, जो भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था। हाँ जी बच्चे, और हमने क्या पढ़ा था, सम संख्या और विषम संख्या, जिसे हम इवन नंबर और ऑड नंबर कहते हैं। देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, है ना। हमने देखा था क्या कि अगर मेरे पास 0, 2, 4, 6, 8 इस अंकों से बनी संख्या हो या ये अंक हो, इन्हें हम बोलते हैं सम संख्या, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर लिख रही हूँ, हाँ इवन नंबर बच्चे, इवन नंबर, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ 28, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, सभी बच्चों को पता होगा, जल्दी से बता दीजिए। हमने कुछ एक चीज देखी थी कि हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं, हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 28 एक सम संख्या है। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने एक चीज और देखी थी बच्चे कि अगर मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, है ना। अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं तो हम क्या कहते हैं, ये अंक है इनसे बनी संख्या है, तो हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं हैं। ये चीज पढ़ी थी हमने, ऑड नंबर। हाँ जी बहुत सारे बच्चे सही कह रहे हैं, ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ बच्चे, एक नंबर लिख रही हूँ 75, यानी कि 75, जल्दी से बताइए ये एक सम संख्या है, विषम संख्या है। अगर ये सम है तो ए टाइप कर दो और विषम है तो बी टाइप कर दो, जल्दी से। अगर सम संख्या है तो ए टाइप कर दो, विषम संख्या है तो बी टाइप कर दो, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे करेंगे आंसर, मुझे कैसे पता लगेगा, सभी को समझ आया। अच्छा एक बच्चे तो दोनों आंसर दे रहा है, ए भी मतलब सम भी है विषम भी है। हाँ जी बच्चे, नहीं बच्चे सही आंसर देना है आपको, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं बच्चे, एक मनीष सोलंकी की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चा आप आंसर कर रहे हो ए, ये सम संख्या है। अगर मैं इस नंबर में इकाई का अंक देखूं तो ये इकाई का अंक क्या है, 5 है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है, है ना। तो ये पूरी संख्या क्या हुई, एक विषम संख्या हुई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। समझ आया क्या बच्चे, समझ आया क्या आपको, ओके ओके चलो अच्छी बात है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं इसे, है ना। चलो आगे हमने क्या देखा था कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए। ये मोहित, मोहित की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अपने आप को म्यूट कीजिए। बच्चे अननेसेसरी ऐसे मत कीजिए, इससे क्या होगा, आपको डिस्टरबेंस होगी ना, आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। ऐसे मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी, सॉरी मैम। हाँ बच्चे कोई बात नहीं, बट अब आगे से ध्यान रखना। चलिए हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा कि अगर मैं 5 को 3 बार गुना करूं तो भी मुझे 15 मिलता है, 5 को 3 बार ऐड करूं तो भी मुझे, जोड़ दूं तो भी मुझे 15 मिलता है। तो 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुना करने पर बराबर संख्या मिलती है। हमने जो अभी देखा है बच्चे वही है कि टेबल में जो पहाड़े हैं उनका आधार जोड़ ही होता है। ऐसे ही अगर मैं 7 के गुना 6 से करती हूँ तो मुझे 42 मिलेगा, और 7 को 6 बार ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 42 मिलेगा, है ना। ये चीज सभी बच्चों को समझ आई या नहीं समझ आई, जल्दी से बता दीजिए। अगर समझ आ गई है तो यस टाइप कर दो, नहीं आई है तो एन टाइप कर दो, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, मनीष सोलंकी की आईडी से जो बच्चा है, मनीष सोलंकी की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपको समझ नहीं आया क्या, आर्यन की आईडी से भी बच्चा है, बच्चा आपको समझ नहीं आया क्या,
अच्छा मनीष सोलंकी की आईडी से जो बच्चे हैं ना, बच्चे आप ना, हाँ बच्चे आप ना क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, ठीक है? मैं आपको समझाऊंगी दोबारा से जो भी मैंने चीज बताई है। मैंने क्या बताया अभी तक कि अगर मैं 5 या 15 लिख रही हूँ है ना, तो मैं इसका मतलब क्या होता है, 5 को 3 बार जोड़ रही हूँ, ठीक है? तो भी तुम्हें 15 मिलता है। तो बेसिकली हमने हमने क्या पढ़ा, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है, ठीक है बच्चे? जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं 8 को 6 से गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। 4 को 4 को लिखते हैं, चलो 4 को 6 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, सभी बच्चे बताएंगे। 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। बच्चे आप उसमें आप चैट सेक्शन में जाके लिखेंगे, कोई भी आपने आपको अनम्यूट नहीं करेगा। और अगर आपने दोबारा से ये चीज किया मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है बिल्कुल सही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 4 का 24 कर रही हूँ तो इसका मतलब 4 को 6 बार ऐड कर रही हूँ है ना बच्चे, तब भी हमें क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा। ठीक है अब समझ आया, मनीष की आईडी से जो बच्चा था और एक आर्यन की आईडी से जो बच्चा था, आपको समझ आया? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए यस और नो। गुड गुड गुड, चलो अब आगे देख लेते हैं हम क्या, 5 का पहाड़ा। ठीक है सभी बच्चों को आता है 5 का पहाड़ा कि 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। तो हमने जैसे देखा कि किसी भी पहाड़े का जो आधार होता है वो जोड़ होता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया यहाँ पर बच्चे देखो, अगर मैं 5 25 कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 5 को 5 को 5 बार ऐड कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, तो भी मुझे 25 मिल रहा है। 5 6 30 कर रही हूँ मतलब 5 को 6 बार जोड़ रही हूँ, ठीक है? अब बहुत बार क्या होता है बच्चे कि मुझे पता है 5 चौके 20 होता है लेकिन 5 25 नहीं पता क्या होता है, 5 को 5 बार गुना करने पे क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए यस 5 25 होगा। पर इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, 5 मुझे पता है 5 25 है, 5 6 मुझे ज्ञात करना है क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी, क्या करेंगे हम? हाँ एक बच्चे ने बहुत सही आंसर किया कि मैडम 5 ऐड कर देंगे। हाँ जी बच्चे, तो हम ऐसे भी पहाड़े को बना सकते हैं कि मुझे पता है 5 चौके 20 होता है, मुझे 5 25 नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी 5 इसमें ऐड कर दूंगी, जोड़ दूंगी, तो 25 बन गया। 5 को 6 से करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं 5 और, तो 25 में 5 ऐड किया तो क्या बन गया, 30 बन गया। ठीक है सभी बच्चों को समझ आया? और हम कैसे कर सकते हैं, 5 6 30 का मतलब क्या हुआ, 5 को 6 बार जोड़ना, ये भी मतलब सही है। तो कई सारे मतलब होते हैं किसी भी एक पहाड़े के। सभी बच्चों को समझ आया तो जल्दी से यस टाइप कर दो आप, फिर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जल्दी से सभी बच्चे करेंगे है ना। ठीक है ठीक है बच्चे, ठीक है गुड गुड। चलो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा बच्चे, अननेसेसरी आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें अगर अब तक आप लोगों को क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो चैट में लिख दो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्ते बच्चे, अपने आप को म्यूट कर लो क्लास, अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है तो आप क्लास के बाद रुक जाना, जो डाउट होगा मैं बता दूंगी, ठीक है? चलो अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, अगर हम 1 की गुना संख्या से कर रहे हैं 1278 से तो हमें क्या संख्या मिलेगी। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने 1 की गुना हमें किससे करनी चाहिए, 1 की गुना अगर हम करते हैं तो किसी भी संख्या से तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, सभी बच्चों को पता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कहाँ करेंगे सभी बच्चे, पोल में जाके करेंगे। शिशांत की आईडी अपना वो कर लेने, रुक क्या दगी टेढ़ी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। शिशांत की राणा की आईडी से जो भी बच्चा है बच्चे अपने आप को म्यूट रखिए वरना मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको। ठीक है सभी बच्चे आंसर करेंगे कि अगर मैं 1 की गुना
इस संख्या से कर रही हूं 1278, तो मुझे क्या संख्या आंसर मिलेगा? हमने पढ़ा भी था कि एक की गुणा किसी भी संख्या से हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से पोल में जाके सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं समझ आया, नहीं पोल दिखाई दे रहा है ना, वो चैट सेक्शन में, जब मैं अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, वहां पर आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। चैट ऑन कर दो जी। जिसने कर दिया है अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया है सभी, बाकी सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। सुनूंगा इसे। हाँ जी, जितेंद्र की आईडी, जितेंद्र शर्मा की आईडी से कोई बच्चा है, बार बार हाथ रेंज कर। बच्चे कुछ पूछना है आपको? सुनाई दे रहा है मैम। ओके बच्चे, तो फिर आप अनम्यूट कर लीजिए अपना, और सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी काफी बच्चों का रहता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे दिया मैम, सभी बच्चे करेंगे। 5 सेकंड और, 4 कर दिया मैम, 2 1। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो बच्चे चैट में जाके आंसर कर देंगे। जल्दी से आंसर कर दो चैट में। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर आंसर थोड़ा गलत किया है, देख लेते हैं। देखो बच्चे, हमने पढ़ा था क्या कि अगर मैं एक की गुणा किसी भी संख्या से करती हूँ, किसी भी संख्या से अगर हम कर रहे हैं एक की गुना, तो हमें वही संख्या मिलती है ना, हमने ये पढ़ा था। तो अगर मैं एक की गुना 78 से कर रही हूँ, 1278 से कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 1278 ही मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगर मैं मान लीजिए एक की गुना 50 से करती तो मुझे क्या मिलता? 50 मिलता। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी भी थी। ठीक है, किसी अभी क्लियर है सभी बच्चों को कि सी आंसर कैसे आया? जिन बच्चों ने आंसर गलत दिया था जल्दी से बता दीजिए, यस और नो। यस, बच्चे म्यूट रखिए आपको। जो एक बच्चा है ना, मैं सबको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर आपको पोल में जान के देना है। कहाँ देना है? पोल में देना है। क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। हमने पढ़ा भी था क्या कि किसी भी संख्या, अगर हम 2 की गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें एक तरह की संख्या मिलती है ना। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सी संख्या होती है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आ रहे हैं आंसर, और भी आने चाहिए सभी के, और आंसर आने चाहिए सभी के। जल्दी से करो बच्चे, सभी आंसर करेंगे, है ना। चलो, गुड गुड। तो अब हम क्या करते हैं, 5 सेकंड और देते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1 कर दिया मैम। ठीक है बच्चे, जो बच्चों ने नहीं किया है कर दिया मैम, कर दीजिए मैम, हम कर दिया मैम, कर दिया जी। अपने आप को मैम, मेरे पोल में मैसेज कर दिया जी, क्वेश्चन नहीं आया। जिन बच्चों को कर दिया जी, पोल नहीं दिख रहा था वो बच्चे यस मैम आंसर कर देंगे। बच्चे चैट में कर दो, मुझे पता लग जाएगा, मुझे हर बच्चे का पता है कि किसने क्या आंसर किया है। ठीक है, जिस बच्चे को पोल नहीं नजर आ रहा था वो चैट में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम सी। बच्चे एक बार लिखोगे ना तभी जाएगा, तो बार बार टाइप करेंगे।
ठीक है, मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ एक क्लास में शांति, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि अगर मैं दो की संख्या गुना, अगर मैं दो से कर रही हूँ तो मुझे चार मिल रहा है, दो की गुना मैं तीन से कर रही हूँ तो मुझे छह मिल रहा है ना, दो की गुना चार से कर रहे हैं तो मुझे आठ मिल रहा है, और दो की गुना पांच से कर रहे हैं तो मुझे दस मिल रहा है। किस तरह की संख्याएं हैं? सारी सम संख्याएं। अभी हमने देखा था सम संख्याएं क्या होती हैं, है ना, सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चे वो इसका करेक्ट है, ठीक है बेरा जी। बहुत अच्छी बात है, अगर पता है, अगर आप ऐसे क्लास में शोर मचाओगे ना, मैं दोनों बच्चों को बोल रही हूँ, आपकी स्कूल में आपकी कंप्लेंट चली जाएगी, ठीक है, बाकी बच्चों को भी। अगर आप ऐसे नॉइस करोगे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, है ना, तो दोनों बच्चों को बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए अब बात करते हैं जीरो पे। जीरो का पहाड़ा सभी बच्चों को आता होगा, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन बता दीजिए, अगर मैं जीरो का गुना एक से करूंगी तो मुझे मिलेगा क्या, दो से करूंगी, तीन से करूंगी, चार से करूंगी, पांच से करूंगी, क्या क्या मिलेगा? हाँ जी, हमेशा जीरो मिलेगा बच्चे। अच्छा जीरो मिलेगा मैम। हाँ जी बच्चे, ऐसा क्यों हुआ? जीरो मिलेगा मैम। बच्चे मैंने अभी सभी को कहा है चैट में करेंगे आंसर, ठीक है, सभी बच्चों को करेंगे। चलो हाँ जी, जीरो मैं कौन क्या था नाम भाई, हमने देखा कि अगर मैं दो जीरो को तीन से गुना कर रही हूँ तो मुझे जीरो मिल रहा है, तो मैंने जोड़ भी सीखा था, है ना, कि हम जीरो को तीन से गुना कर रहे हैं तो मुझे जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो को तीन बार जोड़ रहे हैं, तो बेटा जीरो को तो मैं तीन बार जोड़ूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। यहाँ पर अनावश्यक बातें कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, ठीक है, किसी भी इस चैट के अंदर कोई भी बच्चा अनावश्यक बातें नहीं लिखेगा, वरना मैं उसको यहाँ से क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है, अगर मैं जीरो की गुना छह से कर रही हूँ तो भी मुझे जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो को छह बार जोड़ने पे भी जीरो मिल रहा है। तो बच्चे हम क्या यहाँ से सीख रहे हैं कि अगर हम जीरो की गुना किसी भी संख्या से करते हैं, जीरो की गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो जीरो ही मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं जीरो की गुना 500 से कर रही हूँ तो भी मुझे जीरो मिल रहा है, और 500 की गुना जीरो से कर रही हूँ तो भी मुझे जीरो मिल रहा है, या मैं यहाँ पर 50 की गुना जीरो से करूँ या जीरो की गुना 50 से करूँ तो भी जीरो मिलेगा। मनोजा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर समझ आ गया सभी बच्चे, यस टाइप करने के लिए वाई कर दीजिए, और नहीं आया तो नो टाइप कर दो। कोई भी बच्चा जल्दी जल्दी टाइप कर दो, सबको समझ आ गया कि अगर जीरो की संख्या, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। किशान की आईडी से जो बच्चा है, अगर आपने अगेन बार बार दोबारा से क्लास को डिस्टर्ब किया, मैं क्लास से आपको निकाल दूंगी, वो सब रिकॉर्ड होता है ना, तो आपको आप देख लीजिए, फिर आप अगली क्लास में ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, कुछ नया सीख भी नहीं पाओगे, है ना बच्चे। चलो बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, सही कहा है कि उन्हें समझ आ गया है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए फिर, है ना, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्लासेस में आंसर करेंगे, जीरो की गुना छह से करेंगे, ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा पहले का, जीरो की गुना हम छह से कर रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। तो जीरो की गुना छह से करेंगे तो हमें डी, जीरो ही मिलेगा, तो डी ऑप्शन सही। चलो अगली, अगला बताइए, जीरो की गुना 18 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और 700 की गुना 18 से करेंगे तो क्या मिलेगा? सेकंड का करके आंसर कर दो एबीसी, और थर्ड का करके आंसर कर दो, जल्दी से कर दो सभी बच्चे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। तो अगर मैं जीरो की गुना 18 से कर रही हूँ तो भी मुझे जीरो ही मिलेगा, और 700 की गुना जीरो से कर रही हूँ तो भी मुझे जीरो मिलेगा, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है
कि शून्य की खोज किसने की थी, जीरो की इंटेंशन किसने की थी, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने मैम। गुड गुड आर्यभट्ट बच्चे मैम, मोहित की आईडी से जो बच्चा था अभी तो आपने मैंने कुछ लिखा था है ना बच्चे, आपकी हर चैट जाती है, आप जो कुछ भी यहाँ पर लिखोगे ना सब जाता है, सब हमारे पास आता है, ठीक है। बहुत अच्छी है मनीत की आईडी से जो बच्चे ने बताया था, बिल्कुल सही बच्चे, और बाकी सभी बच्चों ने भी बताया था कि किसने कोच की है, आर्यभट्ट ने। और जिस बच्चे ने डेकोरम मेंटेन करते हुए क्लास में मैसेज में लिखा था उसको भी बहुत अप्रिशिएशन। बहुत सही बच्चे, आपने सही लिखा, किसने की थी कोच, आर्यभट्ट ने की थी। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, मतलब बच्चे इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज पूछो तो सामी, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है। सभी बच्चों ने मोबाइल देखा है ना, तो इस मोबाइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये सारी संख्याएं होती हैं। अच्छा ये दोनों नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ संख्याएं लेंगे हम, ठीक है, अंक लेंगे। अगर मैं सारे अंकों को गुना करूं, सभी अंकों को गुना करूं, चैट सेक्शन में बता दीजिए क्या आंसर आएगा, मतलब जीरो। जीरो बच्चे चैट में, जीरो मैम बच्चे, जीरो, ठीक है बच्चे चैट में लिखना है, जीरो मैम। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, जीरो मैम। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि अगर मैं किसी भी इस सारी संख्याओं को गुना करूंगी तो मुझे जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको गुना भी करती हूँ, चलू ना, 1 गुना 2 से 2 की गुना 3 से 3 की गुना 4 से, तो मुझे एक संख्या मिल भी जाएगी, तो लास्ट में तो जीरो है ना। तो जीरो की गुना जब हम किसी भी संख्या से करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। गुड बच्चे, मतलब मेरी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। हाँ बच्चे बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दिया है। चलो अब आगे आपके पास आएगी एक पजल, ठीक है, ये है एक पजल। अब देखते हैं हम इन्हें पजल्स को हम कैसे करेंगे, ठीक है। मैम स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही आपको, स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस मैम। बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या? यस मैम। सभी बच्चों को पता है हमारा नियम क्या है, क्लास के रूल पता है ना आपको, यस लिखना के लिए वाई लिखना है और नहीं तो नो। यस मैम दिख रही है मैम। गुड बच्चे, बट माइक ऑन नहीं करना है, है ना। अच्छा जो बच्चा है जिसको नई स्क्रीन दिख रही है ना बेटा, एक बार रिज्वाइन कर लो, है ना, नहीं तो एक घर के ऐसी जगह पे चले जाओ नेटवर्क आ रहा होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो, नहीं तो एक बार क्लास रिज्वाइन कर लो आप। हाँ जी चलो देख लेते हैं, हाँ आंसर आने लग गए हैं। चलो एक बार एक रो में आपको बता देती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, बाकी दो आप मुझे करके बताओगे। देखो क्या करना है, मैंने क्या किया, 2 की गुना 2 से 3 तो मुझे क्या मिलेगा, 4। तो मैंने यहाँ 1 की जगह 4 लिख दिया। अब वो बोल रहा है 1 की गुना 4 से करनी है, यानी कि 1 क्या है 4 है, तो 4 चौके 16 होता है, तो बी में क्या आ जाएगा, 16, है ना। तो क्या आ गया, आपको नहीं दिख रही है क्या? यस मैम नहीं दिख रही। अच्छा बच्चे, बाकी बच्चों को तो सभी को स्क्रीन दिख रही है, आपने रीज्वाइन करा एक बार लेफ्ट क्लास, ये दोबारा से ज्वाइन कर लो आप एक बार। यस मैम दिख रही है। हाँ दोबारा ही किया मैम। अच्छा दोबारा किया है क्या आपने? यस मैम। नेटवर्क का इशू तो नहीं है बच्चे आपके साइड से, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। दबंग एक बार दोबारा से लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो, नहीं तो नेटवर्क वाली जगह पे जाओ आप। हाँ चलो सभी बच्चों को समझ आ गया, तो सी और डी का आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, सी और डी का सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, सी और डी का सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, कि मैं 5 कैसे आएगा, मैं क्या 5 में जमा गुना करूं, है ना। बहुत अच्छी बात है मनीष सोलंकी की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चे आप, अच्छा नहीं बच्चे आप सी का आंसर पूछ रही हूँ मैं, सी का आंसर। हाँ मैम तो समझ में नहीं आया, समझ में गया मैम।
मैम मुझे भी नहीं सुन रहा। अच्छा रुको रुको रुको, सभी को दोबारा। अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है सभी को दोबारा बताते। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका दो लिखा है ना, दो की गुना आपने दो से की, ठीक है, आपको ए आना चाहिए। अब आपने क्या किया, दो की गुना दो से की क्या आएगा, दो दुनी चार, तो आपने यहाँ लिख दिया चार, ठीक है, तो ए आपका चार हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है ए की गुना चार से करो, तो क्या आएगा, बी आना चाहिए, ए की गुना चार से करो बी। आपको पता है पहले वाले से कि ए आपका कितना आया था, चार आया था, तो आपने यहाँ चार लिख दिया, चार चौक सोलह, तो बी की जगह सोलह लिख दिया, ठीक है, मतलब पहले वाले से देख के करना है, ठीक है। अब देखो सी मैं आपको बता देती हूँ, हाँ बहुत सही बच्चे। देखो अब आपको क्या कह रहा है वो, कि आपको ना सी की गुना पांच से करनी है, सी की गुना पांच से करनी है और आपके पास पांच आना चाहिए, तो मैं किसकी गुना पांच से करूँ कि मुझे पांच ही मिले, मैं एक की। हाँ जी, तो सी क्या हो गया, ए हो गया, एक हो गया, सी क्या हो गया आपका, एक हो गया, ठीक है, तो एक की गुना पांच से करेंगे तो हमें पांच मिल गया। अब वो कह रहा है कि पांच के गुना आठ से करो, तो पांच अट्ठे चालीस, और डी क्या हो गया, चालीस हो गया। हाँ जी बहुत सही, ये बच्चे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही। चलो अगला देख लेते हैं फिर, जल्दी से मुझे बता दो ई और एफ का, बता दो ई और एफ का, सभी बच्चे आंसर देंगे। ई का क्या आएगा मैम, वन। बच्चे चैट में देना है आपको, मैं हर बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी को, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। बच्चे आप ना क्लास के बाद रेनू रुकना, आप अगर आप रेनू की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अगर आपको इश्यू हो रहा है तो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन। अच्छा हाँ देख लेते हैं, कुछ बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया है कि मुझे क्या करना है, एफ आना चाहिए, अगर मैं ई की गुना तीन से कर रही हूँ तो मुझे एफ मिल रहा है, और एफ की गुना तीन से कर रही हूँ तो मुझे नौ मिल रहा है, तो मुझे उल्टा चलाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे नौ पता है तीन पता है, तो मैं तीन की गुना किससे करूँ कि मुझे नौ आ जाए, तीन से, तीन नो है ना, और फिर मुझे एफ पता लग गया कि मुझे एफ है तीन, तो मैं तीन किसकी गुना क्या करूं, ई की गुना तीन की गुना किससे करूं कि मुझे तीन मिल जाए, एक से, है ना। गुड गुड गुड, बहुत सारे बच्चे सही कर रहे हैं आंसर। तो ये पजल सभी को समझ आई, अगर समझ आई तो यस टाइप कर दो, क्योंकि ऐसी पजल और आने वाली है, और नहीं आई है तो एन टाइप कर दो, सभी बच्चे करेंगे। गुड, अच्छा गुड गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ललित की आईडी से पूछा है, बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो। ना चलो अगली अगली देख लेते हैं, अगली आपके पास आ रही है पजल, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे कि एक की गुना दो से करेंगे तो ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा, फिर ए की गुना जब चार से करेंगे तो बी में क्या आएगा, चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर कर दीजिए। मैम दो। बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना है, दो। दो मैम। बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी को मैं बोल रही हूँ। ये दो। चलो देख लेते हैं ए का क्या आ जाएगा, एक की गुना दो से करेंगे तो हमें दो मिलेगा, और दो की गुना जब चार से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आठ मिलेगा, तो ए में तो आ गया दो और इसमें आ गया बी में आठ। चलिए जल्दी से सी और डी का आंसर भी बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में देंगे सभी बच्चे आंसर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सी की गुना किस पांच से करेंगे,
तो मुझे 25 कम मिलेगा। चैट सेक्शन में सी, आप सी करके आंसर करिए और फिर डी करके आंसर करिए। गुड गुड, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। हाँ जी, और बच्चे भी आंसर कीजिए, सभी बच्चे करेंगे आंसर। 25 होगा जी। बच्चे मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ कि आप चैट में आंसर करिए कोई भी, मतलब, और वही बच्चे रिपीट कर रहे हैं बार बार, कोई न्यू बच्चे नहीं करे। जिन बच्चों ने पहले से चुप है ना, वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं करे, वो आप हमेशा चैट में ही आंसर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो दोबारा से देख लेते हैं हम, हमने क्या किया कि मुझे सी की गुना 5 से करनी है कि मुझे 25 मिल जाए, है ना। तो मुझे पता है कि 5×25 होता है, तो मैंने क्या किया, ए जो सी है वो 5 रख दिया। अब वो कह रहा है कि 25 की गुना 1 से करो, और हमने पढ़ा हुआ है कि 1 की गुना किसी से भी करो हमें 25 वही संख्या मिलती है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25। तो सी क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया, और डी क्या हो गया 25 हो गया। जल्दी से अब ई और एफ का भी आंसर सभी बच्चे करेंगे। 25 मैम। हाँ बच्चे, डी का 25 आएगा। चलिए ई और एफ का भी कर दीजिए, बहुत बच्चों ने दिया भी आंसर। नहीं बच्चे, ई का आंसर 12 नहीं होगा। हाँ 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 दीजिए, 12 तो उसका सॉल्यूशन ही है ना। ई की गुना 3 से करनी है आपको 12 मिलेगा, फिर 12 की गुना 0 से करनी है फिर एफ मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही बच्चे आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो मुझे 3 की गुना किसी ऐसी संख्या से करनी है कि मुझे ई मिले, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है 4×3=12 होता है, तो मैंने क्या किया 4 की गुना 3 से कर दी, तो ई क्या हो गया आपका 4 हो गया, है ना। ई क्या हो गया 4 हो गया। और ऐसे ही 12 की गुना 0 से करी, तो हमने पढ़ा है किसी भी संख्या की गुना अगर हम 0 से करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, तो एफ क्या हो गया 0 हो गया। हाँ जी बहुत सही, बहुत सही। बिल्कुल सही। क्या किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, चैट सेक्शन में जल्दी से यस लिख दीजिए अगर सभी को सब समझ आ गया है, और नहीं आया है तो नो लिख दीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे। ओके ओके, सभी को समझ आया है पजल, सभी को समझ आई है। अच्छी बात है। नहीं, अच्छा, ये राधे राधे की आईडी से एक बच्चा है, बच्चे आपको नहीं समझ आया है क्या? नहीं समझ आया है बच्चे, मैं आपको दोबारा से बताऊं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ बच्चे आपको। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चे, हम कुछ नहीं है, सिंपल पजल है। पजल भी क्या ऐसी है कि मैंने क्या किया, 1 की गुना 2 से की तो मुझे ए मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं 1 की गुना 2 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मैंने 1 को 2 लिख दिया, ए को 2 लिख दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि आप 1 की गुना 4 से करो, तो मुझे पहले ए पता होना चाहिए, जो मैंने पहले वाले से पता कर लिया 2 है। ठीक है, तो अब 2 की गुना जब 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, 2 की गुना 4 से करेंगे तो मुझे 8 मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे हमने बी को लिख दिया 8। अब समझ आया, ये राधे राधे की आईडी से बच्चा है, बच्चे क्लियर हुआ? यस मैम। गुड बच्चे, गुड गुड, अच्छी बात है। बाकी सारे ठीक है, गुड। चलिए फिर हम अगली पजल पे चलते हैं, है ना। चलो सभी बच्चे करेंगे ये पजल। चैट सेक्शन में ए का आंसर, ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, ऐसे ही लिखेंगे, एक ऐसे ही नहीं लिख देंगे कोई भी आंसर, ए लिख के उसका आंसर क्या है, बी लिख के, ताकि मुझे पता लगे कि किसका आंसर दे रहे हैं बच्चे।
ए और बी का क्या आंसर है वैसे लिखेंगे। बहुत सही आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। सही सही बिल्कुल बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यस बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया देखते हैं, हमने एक ही गुना जब दो से की तो मुझे दस मिलना चाहिए। तो मुझे पता है दस कब मिलेगा, जब मैं पांच से गुना करूंगी। पांच जैसे हमारे पास ए है, ए की गुना दो से की तो मुझे दस मिल रहा है। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर पांच कर दूंगी, तो पांच की गुना दो से करेंगे, पांच दूंगी दस होता है। ठीक है, तो यहाँ से दस आ गया। दूसरा क्या है कि दस की गुना जीरो से करेंगे तो क्या आना चाहिए, बी। तो हमें पता है जीरो की से किसी की भी गुना करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, फाइव और जीरो। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक, अगर कोई डाउट नहीं है तो यस लिख दो मुझे जल्दी से। और मुझे सी, यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सी और डी का आंसर बताओ चैट सेक्शन में, सभी बच्चे सी और डी का आंसर बताओ। बता दिया, हाँ जिन्होंने बता दिया उनको मैंने देखा, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे क्या आएगा, बता दिया मैम। अच्छी बात है बच्चे, चैट में नहीं बता, चैट में ही लिखोगे आप, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। और भी कीजिए। हाँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना है बच्चे, कि सी की गुना अगर मैं सात से कर रही हूँ तो मुझे 21 आना चाहिए। तो मुझे पता है, मैं सोचूंगी सात के पहाड़े में, कि सात के पहाड़े में 21 तीन पे आता है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, तीन सत्ते 21 या सात ती है 21, है ना। तो ये हो गया सी का आपका आ गया तीन। ठीक है, ये आपका जीरो आया था और ये आपका पांच आया था। अब 21 की गुना एक से करेंगे तो क्या मिलता है, सभी बच्चों को अब तक क्लियर हो गया कि एक की गुना किसी भी संख्या से करो वो संख्या मिलती है, तो यहाँ पर आ गया 21। ठीक है चलो अब अगला वाला करेंगे पजल, सभी बच्चे ई और एफ का आंसर निकालेंगे। ई जल्दी से चैट सेक्शन में करना स्टार्ट कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। मैम सिक्स आएगा। बच्चे चैट में आंसर करना है, मैं सब बच्चों का नाम वाइज देखती हूँ, मुझे सबका पता है बच्चे, और सबके आंसर मेरे पास आते हैं। कुछ अलग भी बच्चा लिखता है ना वो भी मुझे पता लग जाता है। हाँ बच गुड गुड बच्चे, ए और ई और एफ करके लिखना है, ई और एफ करके लिखो। तो गुड बच्चे गुड, सभी को मैं देख रही हूँ, मैं सभी बच्चे करेंगे। बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप। राजा मैम अच्छा ठीक है बच्चे, म्यूट रखिए अपने आप को। एफ का जीरो। ठीक है गुड गुड, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अगर हम क्या करेंगे, ई की गुना अगर छह से करेंगे तो 24 कब आएगा, चार से, चार छह का 24। ठीक है, 24 की गुना जब हम जीरो से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, पता है सभी बच्चों को कि जीरो की गुना किसी भी संख्या से करो जीरो आता है, तो एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है यस मैम, यहाँ तक किसी इस पजल में किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी से बता दीजिए, अगर सभी को समझ आया तो ये टाइप कर दो, और नहीं आया तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे। नो मैम। यस मैम। बेटा चैट में करना है, मोहित सोलंकी की जो आईडी से बच्चा है, बच्चा आपका नाम ना नोट हो गया है, ठीक है आपके स्कूल में पहुंच जाएगा। गुड, सभी बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। यस मैम यस मैम, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है। आधी उंडा। चलो अब एक चीज और मुझे बताओ, अगर मैं बच्चे, ठीक है अगर हम मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 275, मैं इसकी गुना एक से कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, 275 ही आएगा। अच्छी बात, चैट सेक्शन में करना है,
ऐसे कर दिया जी। बच्चे आप ऐसे बोल के करोगे तो बाकी बच्चे भी सुन लेंगे ना, जिनको शायद नहीं भी आता हूँ, है ना मैम? समझ में नहीं आया। 276 जैन जी, इसमें क्या नहीं समझ आया बच्चे? हमने क्या पढ़ा था कि एक की गुना किसी भी संख्या से की जाए तो वो संख्या ही मिलती है ना, यहाँ तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे अभी तक। 276 आवा जी, सब बोल रहा है नहीं है 277 आवा जी, बच्चे आप म्यूट करेंगे अपने आप को या नहीं? यस मैम, डिस्टर्ब कर रहे हैं। करेंगे जी, नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी एक बच्चे ने आंसर दिया 249, 239। बच्चे 239 कैसे आएगा? अगर मेरे पास 575 है, 8 बजे खत्म, क्या बजे थी वो? अच्छा नितिन ने करा था जी, 275 है, उसकी गुना मैं 1 से करूंगी तो मुझे 275 ही तो मिलेगा। हमने क्या पढ़ा, वही संख्या, कोई संख्या है उसकी गुना 1 से करेंगे तो हमें वो 1 ही तो मिलेगा, वो वही संख्या तो मिलेगी तो 275 तो मिलेगा, है ना? हाँ बच्चे, वो शायद आपने गलती से टाइप कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, है ना? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। अच्छा